hello class how are you all a oh, very good morning to all of you today we will discuss about notice and we'll understand that how to write a notice and what is the format of notice so before starting and before understanding the format we'll uh, clear this thing that uh, what is the meaning of notice uh, why it is necessary and what is the need ऑफ़ राइटिंग अटिस सो वट इज़ नोटिस सो नोटिस इज़ अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिविन टू पब्लिक जो कि किस को दी जाती है पब्लिक को दी जाती है एक नोटिस वो होता है जहाँ आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपकी खो गई है कोई कॉम्पिटिशन है कोई एग्जिबिशन है है ना कोई ब्लड डोनेशन कैम्प है तो इन सब पर्पजेस के बारे में जब हम लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं दैट टाइम वी नीड अ नोटिस सो इन सब चीज़ों के लिए हमें नोटिस की ज़रूरत होती है अब हम ये देख लेते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट uh, टिप्स है नोटिस को लिखने के लिए ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड ओके आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जो आप रिपीट करें उसको ठीक है एंड योर नोटिस मस्ट बी क्रिस्प एंड शॉर्ट ठीक है एंड पॉइंट टू पॉइंट आपका नोटिस होना चाहिए एंड वन मोर थिंग अबाउट नोटिस उसमें हाईलाइटेड एंड वर्ड्स होने चाहिए लाइक हाईलाइटेड वर्ड्स क्या होने चाहिए जो भी आपका एक तो नोटिस जो हम टॉपिक डालेंगे वो और जो भी आप टाइटल लिखोगे वो हाईलाइटेड होना चाहिए इट कैन बी इधर बोल्ड और अंडरलाइंड ऑल्सो ठीक है एक वो होना चाहिए और आपका जो नोटिस होता है उसका जो टाइटल होता है वो एक आई कैचिंग होना चाहिए दैट मीन्स हम आ, क्या होता है आ, अगर हमें किसी भी चीज़ का किसी का भी किसी भी पर्सन का अगर माइंड इधर हमारी तरफ लेकर आना है तो हम क्या करेंगे वो तब आएगा जब हमारे पास जो चीज़ है वो क्या होगी अट्रैक्टिव होगी आई कैचिंग होगी तो जब भी हम कोई नोटिस लिखते हैं तो नोटिस का जो टॉपिक होता है वो क्या होना चाहिए आई कैचिंग टॉपिक टॉपिक होना चाहिए जिससे सब कुछ ध्यान सबका ध्यान उसकी तरफ जाए नोटिस के तरफ और सब उसको ध्यान से पढ़े सो बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मेट हम इसमें दो चीज़ और सीखेंगे आ, एक तो आ, एक इसमें नोटिस के अंदर होता है कि एक फ़ाई डब्ल्यूज़ होते हैं फाइ डबल्यूज़ क्या होता है फाइव डब्ल्यूज़ का मतलब होता है वॉट वाई वैन र एंड हो आपके नोटिस में इन सब का आंसर इंक्लूड होना चाहिए ओके आई एम रिपीटिंग दिस योर नोटिस शेल इंक्लूड द आंसर्स ऑफ फाइव डब्ल्यूज़ विच इज़ वॉट वाई वेन वेअर एंड हु क्लियर एंड द अदर थिंगज आपका जो नोटिस है आप जिस परपज़ से नोटिस को लिख रहे हैं वो परपज़ वहाँ पर क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हमारा ये सब तो हमने देख लिया कि नोटिस को लिखने के क्या क्या टिप्स हैं अब हम उसके फॉर्मेट की तरफ देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी नेम ऑफ़ द इशूइंग एजेंसी अथॉरिटी जो भी uh, जो भी आपकी कंपनी है आई I मीन mean, जो भी नोटिस लिख रहा है जो भी नोटिस इशू करवा रहा है उसका अथॉरिटी uh, एजेंसी का नेम ऊपर आना चाहिए उसके बाद आपको नोटिस यहाँ पर नोटिस ही डालना है एन ओ टी आई सी ये सारा आपका ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए एंड नेक्स्ट यू हैव टू लीव अ लाइन ब्लैंक एंड अगेन डेट ऑफ़ इशू और रिलीज़ ऑफ़ द नोटिस है ना सेम ही मीनिंग है यहाँ पर डेट आनी चाहिए इन शॉर्ट अगेन नेक्स्ट है आपको वन लाइन ब्लैंक छोड़नी है उसके बाद आपका टाइटल यहाँ पर आना चाहिए आप या फिर इसमें लिखा है सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट यानी कि जिस परपजस से भी आप लिख रहे हैं कोई चीज़ खो गई है कोई ब्लड डोनेशन कैंप है या फिर कुछ भी है तो यहाँ पर आपका वो टाइटल मैंशन होना चाहिए उसके बाद नाउ बॉडी एंड वट इज़ द बॉडी बॉडी मीन्स यहाँ पर आपका कंटेंट है ना आपका क्या क्या कंटेंट आएगा दैट मीन्स आप वो जो नोटिस लिख रहे हैं उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें डेट टाइम ड्यूरेशन प्लेस वेन्यू सब कुछ उसमें होना चाहिए ठीक है एंड इन द लास्ट ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑथोराइज सिग्नेटरी मीन्स दैट मीन्स सबसे पहले सिग्नेचर होना चाहिए आफ्टर दैट नेम होना चाहिए एंड आफ्टर दैट डेजिगनेशन ऑफ दैट पर्सन हु इज़ राइटिंग द नोटिस ठीक है नेम उसी का होगा जो नोटिस लिख रहा है सिग्नेचर भी उसी के होंगे और पोस्ट भी डेजिग्नेशन भी उसी की आएगी ठीक है नाउ कमिंग टू द वन एग्जांपल वन सैम्पल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सो एज़ यू कैन सी हियर नाउ वॉट इज द क्वेश्चन वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर एट आवर्स टेन ए एम टू सिक्स पी एम यानी कि वाटर सप्लाई जो है वो रोक दी जाएगी टेन टू सिक्स पी एम के लिए ऑन कब रोकी जाएगी सिक्स ऑफ मार्च फॉर क्लिनिंग ऑफ द वाटर टैंक राइट अ नोटिस इन अबाउट फिफ्टी वर्स एडवाइजिंग द रेजिडेंस टू स्टोर वाटर फॉर अ डे कि मतलब अगर आपका जो वाटर सप्लाई बंद होने वाली है तो आप एक दिन का पानी स्टोर करके रखें यू आर करण कुमार और करुणा बजाज सेक्रेटरी जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार करनोल ठीक है तो अब देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर जो भी जो भी नोटिस इशू कर रहा है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इंस्टीट्यूशन है जो भी है तो यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी है जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है पालम विहार करनोल सो यहाँ पर हमने नोटिस लिखा हियर आई हैव मेंशन द डेट सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव मेंशन 2020 इट्स 2021 राइट नाउ सो हियर इज़ द डेट मार्च वन टू ट्वेंटी वन ओके एंड सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई ठीक है एज यू कैन सी की सस्पेंडेड ऑफ वाटर है यहाँ पर कि वाटर सप्लाई सस्पेंशन की जाएगी तो नोटिस का टाइटल क्या हो गया आपका सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई This notice is to inform all the resident residents of the society regarding the suspension of water supply for 8 hours. It is being done to clean the water tanks. The details are as follows. तो ye jo hai dekho aapko yahan pe clear दिया हुआ है reason mentioned किया हुआ है कि हम क्यों suspend कर रहे हैं तो क्योंकि हमें water tanks क्या करवाने हैं clear करवाने हैं date अब यहाँ पे लिखा है date March 6 2021 it's 21 टाइम क्या होगा टेन ए एम टू सिक्स पी एम आपका टाइमिंग रहेगा जिसमें आपका वाटर सस्पेंड रहेगा उस टाइम वाटर की सप्लाई नहीं होगी एंड दिस इज़ टू रिक्वेस्ट एवरी वन टू स्टोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर हैंड टू मिनिमाइज़ द डिफ़िकल्टी इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड ठीक है इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी भी बोला जा रहा है और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी डिफिकल्टी है या फिर आपको जितने भी पानी की अमाउंट की रिक्वायर है आप उसको स्टोर uh, करके रखें सो एज यू कैन सी सिग्नेचर करण और वो कौन है सेक्रेटरी है सो वी हैव डन विद द फॉर्मेट ऑफ नोटिस आप फिर से देख लीजिए एक बार नोटिस का फॉर्मेट है ये एंड येस वन मोर थिंग आई फोगेट टू टेल दैट योर नोटिस मस्ट बी इन द बॉक्स जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक बॉक्स के अंदर ही होगी इफ आपने बॉक्स नहीं बनाया तो उसकी भी मार्क्स आपके कट हो जाएंगे इसमें बॉक्स नेसेसरी है और नोटिस के फॉर्मेट में देखो मार्किंग भी होती है जो फॉर्मेट हम पूरा लिखते हैं ये फॉर्मेट की पूरी मार्किंग वन होती है जो बीच में आप कंटेंट लिखते हैं उसके आपको टू मार्क्स मिलते हैं जो एक्सप्रेशन आपका आता है उसके वन मार्क मिलते हैं दैट मीन्स एक नोटिस टोटल कितने मार्क का होता है इट uh, कंसिस्ट फोर मार्क्स हाउ मच इट कंसिस्ट फोर मार्क्स तो आपके इसमें मार्क्स डिपेंड करता है कि अगर आपने फॉर्मेट सही नहीं लिखा है तो आपका वन मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका कंटेंट सही नहीं है आपकी बॉडी सही नहीं है वो उसका टू मार्क होता है एंड एक्सप्रेशन जो आएगा उसका वन मार्क होता है क्लियर सो वी हैव डन विद दिस टॉपिक विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक टिल देन बाय बाय स्टे सेफ थैंक यू